इस वाले वीडियो में हम लोग Realme GT Neo 3 T मोबाइल का गेमिंग बेंचमार्क करेंगे और मैं तुम लोग को ये दिखाऊंगा कि स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर अभी तक का सबसे ज़्यादा एम्यूलेशन के लिए कंपैटिबल डिवाइस है। तो इस वाले मोबाइल का गेमिंग बेंचमार्क स्कोर आता है स्नैपड्रैगन 870 के साथ लगभग 7 लाख का, लेकिन ये स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 और स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 के किसी गेमिंग बेंचमार्क FPS को भी फेल कर सकता है, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो कंपैटिबिलिटी रेशियो है इस मोबाइल का वो बहुत ज़्यादा है। इसमें कई ज़्यादा जो ड्राइवर्स है वो सपोर्टेड रहते हैं और कंपैटिबल रहते हैं। 855 स्नैपड्रैगन 860 स्नैपड्रैगन 865 स्नैपड्रैगन 870 ये चार पांच दो प्रोसेसर्स हैं गाइस, ये कुछ पावरफुल एम्यूलेशन के लिए माने जाते हैं। इवन अगर तुम लोग के पास स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 है, स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 है या स्नैपड्रैगन 888 है या 88 प्लस है, फिर भी उसको ये जो प्रोसेसर है कई गेम्स में FPS के कंपैरिजन में स्लो कर देंगे। तो यहाँ पे हमने गॉड ऑफ वॉर चलाया है 2x के अप स्केल में, 2.5x के अप स्केल में, एज यू कैन सी 1280। तो जो रिजोल्यूशन है यहाँ पे गेम का तुम लोग 3x भी रख सकते हो, किसी किसी गेम्स में 4x भी रख सकते हो। फॉर हाई एंड गेम्स रिकमेंड है 2.5x के अपस्केल में, ये तो तुम लोग को भी पता होगा। स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 का भी प्रोसेसर 2.5 से 3x के उसमें नहीं चला पाता है स्केल में इधर SX2 में। और यहाँ पे हमने PlayStation Vita का गेम्स यहाँ पे टेस्ट किया जो कि मॉडल कॉम्बैट है, 2x के अपस्केल में हम लोग खेल रहे हैं। यहाँ पे FPS हम लोग को बढ़िया देखने मिल जाएगा, 2 से 3x कर सकते हो, 3 से 4x कर सकते हो, गेम को प्लेबल रहता है, लेकिन 3 और 4x में जो गेम है वो थोड़ा सा शटर मारेगा। तो इससे बढ़िया तुम 2x में लगा के ये जो गेम्स है ऑल कंपैटिबिलिटी के अनुसार से शुरुआत से लेकर एंड तक गेम खेल सकते हो। और यहाँ पे हम लोग ने स्विच के गेम्स काफ़ी सारे यहाँ पे ट्राई किए हैं इस वाले मोबाइल में। तो सबसे पहले आ गया रेड रेडेम्पशन, यहाँ पे तुम लोग को 10-15 FPS ऑन स्नैपड्रैगन 870 Realme GT Neo 3T में देखने मिल जाएगा। इसका एक आता है गाइस डायमेंसिटी प्रोसेसर Realme GT Neo 3, बस इसमें डेंसिटी प्रोसेसर आता है तो वो ज़्यादा कंपैटिबल नहीं होता। तो जो स्नैपड्रैगन वाला है 870 वाला, ये Realme GT Neo 3T, तो ये ज़्यादा कंपैटिबल है और इसमें डेंसिटी के मुकाबले 50% ज़्यादा अच्छा गेम चल जाता है। एज यू कैन सी यहाँ पे जो हमारा गेम है उसका FPS आ रहा है 30-40 FPS आ जाता है, किसी सिनारियों में यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग 50 FPS आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा पोको F5 से भी ज़्यादा FPS है। पोको F5 स्नैपड्रैगन 7 जेन 2 मिलता है और 10 लाख का उसका बेंचमार्क स्कोर है, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे गेमिंग कंपैटिबल और तुम लोग को फ्रेम्स मिल जाएंगे। इसीलिए गाइस मैं बोलता हूँ कि बेंचमार्क डजंट मैटर और डिवाइस मैटर, स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर है वो मैटर करता है। और यहाँ पे देख सकते हो ड्रैगन बॉल जी हम लोग को 60/40 FPS आ गया, तो उतना भी बहुत है। यहाँ पे हमने यूजू में रेसिडेंट एविल 6 ट्राई किया है, थोड़ा सा गेम में ना ग्लिच है, लेकिन जो गेम का FPS तुम लोग से देख सकते हो 30/30 FPS आ रहा है। कभी कभार जो FPS है वो स्लो हो जाएगा क्योंकि वो एम्यूलेटर अभी स्टेबल नहीं है और उसमें ग्राफिकल ग्लिच भी है। और बात किया जाए PSP एम्यूलेटर में तो सबसे ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे परफॉर्मेंस तुम्हें 6-7 और up to 8x का रिजोल्यूशन में तुम गॉड ऑफ वॉर गोस्ट ऑफ स्पार्टा अगर चला सकते हो, तो मतलब कि PSP का ऑल गेम्स तुम 8x के अप स्केल में PPSSPP के एम्यूलेटर में खेल सकते हो Realme GT Neo 3T। और अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि यहाँ पे अधिकतर गेम्स इन्हीं चार पांच डिवाइस में बढ़िया सपोर्टेड कैसे हैं एज़ कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 8 जेन 1-2, तो सिंपली वही बात बोलूँगा कि यहाँ पे जो ड्राइवर्स है वो ज़्यादा कंपेटिबल जो लोग बनाते हैं वो स्नैपड्रैगन 865 हो गया, 855 हो गया, 860 हो गया, 870 हो गया, यही चार पांच जो प्रोसेसर है, एक्सेप्ट स्नैपड्रैगन 888 में ज़्यादा ग्लिच तुम लोग को मिल जाएगा, उसमें अधिकतर जो ड्राइवर्स है वो सपोर्टेड नहीं आता। और ये लोग तुमने भी देखा होगा कई में और मैंने भी काफ़ी सारे मोबाइल्स में टेस्ट करके देख लिया। और अगर मैं तुम लोग को बताऊं कि डॉल्फिन एम्यूलेटर का यहाँ पे क्या गेमिंग बेंचमार्क और अपस्केल है, तो यहाँ पे अपस्केल रेशियो तुम लोग को 2.5 से 3x का मिल जाएगा। ओके 3x भी तुम लोग कर सकते हो, लेकिन नॉट ऑल सिनारियो, आगे अगर तुम लोग गेम के जाओगे तो वहाँ पे जो FPS है वो थोड़ा ड्रॉप हो जाता है, तो 2.5x का अपस्केल सही है। मॉडर्न वॉरफेयर में तुम थोड़ा ज़्यादा अपस्केल रख सकते हो, 3 का अपस्केल रख सकते हो, लेकिन फॉर ऑल गेम्स रिकमेंड इतना ही है 2-2.5x का अपस्केल। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि सीट्रा एम्यूलेटर में तुम लोग देख सकते हो स्ट्रीट फाइटर यहाँ पे हम लोग ने प्ले किया है 4x तक के रिजोल्यूशन में, अधिकतर डिवाइस भी सपोर्ट नहीं ले सकते, वहाँ पे काफ़ी सारे ग्राफिकल ग्लिचेस तुम लोग को देखने मिल जाते हैं। और यहाँ पे बात किया जाए प्रोजेक्ट IGI तो चल जाता है यहाँ पे विन लेटर में, और मॉडल कॉम्बैट 9 भी यहाँ पे चल जाएगा 20-25 FPS एट वेरी लो एंड सेटिंग्स, लेकिन विन लेटर यहाँ पे प्लेबल रहेगा।